राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साल 2020 से सेना स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा है। इस स्कूलों को आरएसएस की शिक्षा शाखा विद्या भारती चलाएगी। साथ ही यहां बच्चों को भारतीय सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार स्कूल का नाम रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर होगा। इसकी पहली शाखा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के शिकारपुर में खोली जाएगी। कर्नाटक विधानसभा में येदियुरप्पा सरकार को बहुमत मिल गई है। इस दौरान विपक्ष ने मत विभाजन की मांग नहीं की है। बता दें 2007 विधायकों वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत के लिए 104 का आंकड़ा पार करना था, जिसे भाजपा सरकार ने पार कर लिया है। भाजपा के पास सदन में अब 105 विधायक हैं। इसके बाद कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान स्पीकर के आर रमेश ने कहा, मैंने खुद को इस कार्यालय से मुक्त करने का फैसला किया है। ये कहते हुए उन्होंने डिप्टी स्पीकर कृष्णा रेड्डी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट मामले में षड्यंत्र का आरोप लगाया है। मायावती ने कहा है कि पीड़िता और उसके एक वकील गंभीर रूप से घायल है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने बीजेपी सांसद रमा देवी से विवादित टिप्पणी के लिए लोकसभा में माफी मांग ली है। आजम खान ने लोकसभा स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनके बयान से उन्हें तकलीफ पहुंची तो वे माफी मांगते हैं। इसराइल में सितंबर से होने वाले आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत अन्य दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं। वहीं तमिलनाडु के चुनावी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आ रही है और नेतन्याहू एक अन्य पोस्टर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि नेतन्याहू वैश्विक नेताओं के साथ पोस्टर लगाकर जनता को बताना चाहते हैं कि उनकी सरकार ने इसराइल के दूसरे देशों से रिश्तों को मजबूती प्रदान की है। हरियाणा के कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के ठिकानों पर आयकर विभाग ने 79 घंटे चली छापेमारी में करीब 230 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति और कर चोरी का खुलासा किया है। अधिकारियों ने बताया कि बिश्नोई की 200 करोड़ की संपत्ति विदेश में होने की जानकारी मिली है। बता दें आयकर टीम ने बिश्नोई के हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल समेत 13 ठिकानों पर 23 जुलाई से कार्रवाई शुरू की थी। आगरा में बने विश्व परिषद ताजमहल पर कांवड़ चढ़ाने को लेकर हिंदूवादी संगठन अखिल भारतीय हिंदू सभा की पदाधिकारी मीना दिवाकर ने सड़क पर प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने काफी प्रयास के बाद हालातों पर काबू पाया। वहीं हिंदूवादी नेता संजय जाट का कहना है कि प्रशासन ने हमें अभी तो ताजमहल पर कांवड़ चढ़ाने से रोक दिया है, लेकिन हम रात में रणनीति तैयार कर कांवड़ चढ़ाने पर विचार करेंगे। फरुखाबाद में सैनिक परीक्षा में नकल का प्रयास करने वाले परीक्षार्थी सहित एक गैंग के 8 लोग पकड़े गए हैं। बता दें फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट सेंटर में सैनिक भर्ती की लिखित परीक्षा होनी थी। पुलिस ने इस परीक्षा में शामिल एक परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुई है। साथ ही सख्ती से पूछताछ करने पर उसने 7 सॉल्वर के परीक्षा स्थल के बाहर होने की बात कबूल की है। मैनपुरी की कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक फर्जी ग्लेज स्टैनिंग इंडिया नाम की कंपनी के 2 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने उनके चंगुल से कई बेरोजगार युवकों को छुड़ाया है। ये ठग बेरोजगार युवकों को कंपनी में अच्छे पद के लालच को देकर मैनपुरी बुलाते थे, उसके बाद उनसे इंटरव्यू के नाम पर 21,000 रुपए की मांग करते थे और ना देने पर उनको बंधक बना लिया जाता था। वहीं पुलिस ने पकड़े गए ठगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।